अगर में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू को माल कहकर संबोधित कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम बताए जाने के बाद अब कांग्रेस नेता ने अपने ही प्रत्याशी को टिकाऊ माल बता दिया है। सागर की सुर्खी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह ने अपनी ही प्रत्याशी पारुल साहू को टिकाऊ माल बताकर संबोधित कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब तो जीवन भर पूर्व मंत्री ही लिखेगा, वापस विधायक मंत्री नहीं बनेगा। बात सही है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई। लो पारवार, ये देखो जनता कह रही है टिकाऊ माल रहना। नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा अपने इस बिरादरी के गांवों के बीच। वही कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल पर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का एक पूर्व मुख्यमंत्री आइटम बोलता है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री टंच माल कहता है, ऐसे में महिलाएं कांग्रेस को इस बार चुनाव में करारा जवाब देंगी। लोगों की क्या मती मारी गई है, कोई टंच कहता 100% टंच। ये पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अब बच्चियों के लिए ऐसा कह रहे हैं टंच माल है, टंच माल है, ऐसा इशारा करके। कोई कह रहा है कि क्या बताया आपने, आइटम टिकाऊ माल, अभी टिकाऊ माल होगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक जो लीडर है पोजीशन में, पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं कमलनाथ जी, वो कह रहे हैं कि ये आइटम है। एक यहाँ नेता है पूर्व प्रतिपक्ष नेता, नेता प्रतिपक्ष का पद मुख्यमंत्री के बराबर होता है, मेरे पास भी रहा 1.5 साल 1.75 साल, तो मैं मान के चलता हूँ कि यदि वो टिकाऊ बिकाऊ इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो ये कांग्रेस की परंपरा है। और महिलाओं का जो अपमान हो रहा है, महिलाएं इसका जवाब देंगी, उत्तर देंगी, और मैं मान के चलता हूँ कि उनको 10 तारीख को सारा देंगे। बता दें कि पारुल साहू उपचुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई है और वे सुर्खी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वहीं गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं और वे भी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सागर।